सब मुझ में है और मैं सब में हूं। लेकिन मैं सब में होते हुए भी नहीं हूं और सब मुझ में होते हुए भी नहीं है। सब मुझ में होते हुए भी मुझ में नहीं है और मैं सभी में होते हुए भी सभी में नहीं हूं। इसका मतलब बोले सब मुझ में होता तो मैं तो नित्य हूं, तो ये सब नित्य होता, लेकिन हकीकत क्या है? मैं नित्य हूं या संसार नित्य नहीं है? सिनेमा देखते हो और पर्दे पे आग लगी, वो आग पर्दे में है, पर्दा आग में है, लेकिन फिर ना आग पर्दे में है ना पर्दा आग में है। आग पर्दे में होती तो पर्दा जल जाता, लेकिन सिनेमा में भले ही दिखाई पड़े कि वहां आग लगी है, पर्दा झोंका त्यों बना लो, वरना कपड़ा कपड़े का ही बनाए पर्दा, डालो आग में क्या होता, रहेगा? तो है भी और नहीं भी, मैं नित्य हूं इसलिए यह संसार नित्य होता यदि यह संसार मुझ में होता, लेकिन मैं नित्य हूं यह संसार तो मिटने वाला है तो नित्य नहीं। और न मैं किसी में हूं, क्योंकि मैं यदि सब में होता तो सबके मिटते ही मैं भी मिट जाता, लेकिन हकीकत क्या है? सब मिट जाता है, मैं नहीं मिटता, मैं ज्यों का त्यों बना रहता, इसलिए मैं सब में हूं भी और नहीं भी, और सब मुझ में है भी और नहीं भी। तो फिर से एक बार समझ लो, सब कुछ मुझ में है और मैं सभी में हूं, सब कुछ मुझ में है इसलिए तो है, वरना एग्जिस्टेंस ही ना होता, और मैं सभी में हूं तब तो जीवन है, वरना खाना पीना चलना फिरना कुछ ना होता। अब उल्टा करके देखो, न कुछ मुझ में है न मैं किसी में हूं, क्योंकि ये संसार मुझ में होता तो मैं नित्य हूं इसलिए संसार नित्य होता, लेकिन मैं नित्य हूं संसार नित्य नहीं है, इसलिए संसार मुझ में नहीं, न मैं संसार में हूं, क्योंकि यदि मैं संसार में होता तो संसार के मिटते ही मैं भी मिट जाता, लेकिन संसार मिट जाता है मैं तो ज्यों का त्यों बना रहता हूं, इसलिए मैं उसमें नहीं। बाबा जी याद दिला रहे हैं श्लोक को, वाह। इतना अद्भुत ये तत्व ज्ञान है। अंतिम श्लोक, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुरात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्व को जानने की इच्छा है जिनकी, बस वे केवल इतना जान लें, इतना समझ लें, अन्वय और व्यतिरेक से ये जो सर्वत्र और सर्वदा है वो क्या है। इसके लिए कार्य कारण को समझाया गया। कार्य मतलब जो उत्पन्न हुआ है, कारण मतलब जिससे हुआ है, आज की भाषा में कॉज एंड इफेक्ट।
विदाउट कोज देर इज नो इफेक्ट, यह लॉ है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो जैसे मिट्टी का घड़ा ये बना, उत्पन्न हुआ, ये कार्य है, किससे हुआ, बोले मिट्टी से। रॉ मटेरियल क्या है, मिट्टी, मिट्टी है कारण। लेकिन फिर प्रश्न आया, क्या मिट्टी से घड़ा अपने आप बन गया, नहीं, किसी ने बनाया है। किसने बनाया, बोले कुंभार ने, तो कुंभार भी कारण हो गया। तो घट रूपी कार्य के दो कारण, मिट्टी कुंभार, इसलिए दोनों कारण को अलग अलग नाम दिया गया। मिट्टी है उपादान कारण, कुंभार निमित्त कारण। मिट्टी है उपादान कारण जिससे घड़ा बना, कुंभार है निमित्त कारण जिसने घड़ा बनाया। तो यहां बनने वाला और बनाने वाला दो कारण हो गए। बस इस प्रकार यह जगत है कार्य। और इसका कारण है परब्रह्म परमात्मा। लेकिन विशेषता यह है कि परब्रह्म इस सृष्टि का कारण तो है, लेकिन उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यहां दो भिन्न नहीं है। मजा है, ये बनाने वाला भी है, ये बनने वाला भी है। क्यों, बोले भगवान पहले श्लोक में कह चुके हैं, अहमेवा समेवाग्रे, सबके आदि में मैं ही था, जब कुछ भी नहीं था तब मैं ही था। तो सिवाय भगवान के और कोई नहीं था, और सिवाय भगवान के और कुछ भी नहीं था। तो भगवान को यदि बनाने वाले के रूप में स्वीकार करो, तो प्रश्न यह होता है कि भगवान ने यह सृष्टि किससे बनाया। सिवाय भगवान के तो और कुछ नहीं था, तो किससे बनाते भगवान। बनाने वाला कुंभार है, लेकिन मिट्टी कुंभार से अलग है और कुंभार से पहले थी। जब कुंभार नहीं पैदा हुआ था तब से मिट्टी थी, तब तो कुंभार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, लेकिन भगवान से पहले तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और कुंभार को तो कुंभार के बाप ने, जो कुंभार के पहले था, घड़ा बनाना सिखाया, भगवान को तो किसी ने सिखाया नहीं। तो भगवान के पहले कोई नहीं था, भगवान के पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए बनाने वाले भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। इसलिए कहते हैं, चलो मैं एक हूं, मैं ही अनेक हो जाऊं, और वे हो गए। तो परब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब आप ये समझिए अन्वय व्यतिरेक से, कि बिना मिट्टी के घड़ा नहीं हो सकता, घड़े के होने के लिए मिट्टी का होना जरूरी है, लेकिन मिट्टी के होने के लिए घड़े का होना जरूरी नहीं। बस इसी तरह इस सृष्टि के होने के लिए परब्रह्म का होना जरूरी है। सृष्टि का अस्तित्व सापेक्ष है, किसी के होने से यह है, लेकिन परमात्मा के होने के लिए सृष्टि का होना जरूरी नहीं है। परमात्मा का होना अस्तित्व निरपेक्ष है, जिसका होना सापेक्ष है वह मिथ्या है, और जिसका होना निरपेक्ष है वह सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह सिद्ध हो जाता है। अब घट से संबंधित और दो शब्द, पन घट मर घट।
अच्छा घट में क्या है? कोई कहता है कुछ भी नहीं, खाली है। जिसको तुम खाली बोलते हो वहां आकाश है। खाली, ये भी खम, खम आकाश, ख यानी आकाश, उसी से बना खाली। घड़े में क्या है? बोले कुछ नहीं, खाली। तो इसका मतलब उसमें आकाश है। घट के अंदर भी आकाश है, घट के बाहर भी आकाश, सर्वत्र आकाश ही आकाश, बीच में केवल घट एक दीवार है, इसलिए अंदर और बाहर की बात आती है, वरना क्या अंदर क्या बाहर। सर्वत्र जब आकाश ही आकाश है तो क्या अंदर क्या बाहर। लेकिन घड़ा है, एक दीवार है, बस उसी प्रकार थोड़ा अहंकार है अज्ञान के कारण, और जीव भाव है कि मैं जीव हूं, इसलिए अंदर बाहर वाली बात आएगी, नहीं तो आएगी ही क्यों। अब जब घट फूट जाता है तो घट से संबंधित दो घटना घटती है। पहली घटना कार्य का लय कारण में हो जाता है। मिट्टी का है घड़ा, मिट्टी हो गया, अब घड़ा नहीं रहा, मिट्टी का था, मिट्टी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसका मतलब घट का नाश नहीं हुआ, घट रूप कार्य का अपने मिट्टी रूप कारण में लय हो गया। क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म तो अविनाशी है, इसलिए नाश है ही नहीं, किसी का नाश नहीं है, केवल कार्य का लय होता है कारण में। और दूसरी घटना यह घटी कि घट के अंदर वाला आकाश और घट के बाहर वाला आकाश दोनों एक हो गए। यानी जीव और शिव एक हो गए, आत्मा परमात्मा एक हो गए। इसी को हम मृत्यु कहते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं। तो भैया जब तक यह घट जीवन के पनघट पर है, तब तक एक चांस है, एक मौका है कि घट में जो साईं रम रहा है उसको पहचान लो। सब घट मेरो साईया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की के जा घट पर घट हो। जब तक घट जीवन के पनघट पर है, सांसे चल रही है, तब तक घट में जो साई रम रहा है उसको जान लो, एक मौका है, नहीं तो कल को ये घट मरघट पर होगा। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं है, मुक्ति मृत्यु के एक क्षण पूर्व तक संभव है, तब तक चांस है, ले लो, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। जीवन बीता जा रहा है, जवानी बुढ़ापे की ओर भाग रही है, और जिंदगी तमाम हो जाए उसके पहले उस परमात्मा का अनुभव कर लो, वरना मौका हाथ से चला जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा, एहि तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मूल्यवान हीरे को धूल में ना मिलाओ, बड़े भाग्य से मिला है मानव शरीर, मानव जीवन, इसकी कीमत समझो। जो अवसर मिला है उसको मत गवाओ। तो फिर पछताना पड़ेगा। मृत्यु के बाद तो आगे वाली यात्रा है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
मृत्यु के एक क्षण पूर्व तक मुक्ति संभव है। राजा खटवांग ने केवल अपनी दो घड़ी का आयुष्य जान लिया, मुक्त हो गए। लेकिन हम तो वासना लेकर जाते हैं, आशा तृष्णा मिटती नहीं है, भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत बाकी हद है पागलपन की। न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, फिर भी वासना छूटती नहीं। छूटना है तो उपासना करो, भजन करो श्री कृष्ण का। चार श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया और नारद जी को आदेश किया, पुत्र अब तुम विचरण करो और सर्वत्र इसका गायन करो। इस प्रकार से गायन करो जिससे संसारासक्ति लोगों की मिट जाए और श्री कृष्ण में लोगों की अनुरक्ति हो जाए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिल आधारे इति संकल्प्य वर्णय। देवर्षि नारद ने फिर इस भागवत का उपदेश वेदव्यास जी को किया, वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया द्वादश स्कंधों में, 335 अध्यायों में, 18,000 श्लोकों में। दशलक्षण युक्त श्रीमद् भागवत है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी के स्कंद 12 हैं, स्कंद और लक्षण 10 हैं। तो प्रथम स्कंद अधिकार लीला, दूसरा स्कंद साधन लीला, तीसरे से लेकर के 12वें तक 10 लक्षण, तृतीय स्कंद सर्ग लीला है, चौथा स्कंद विसर्ग लीला है, पांचवा स्कंद स्थान लीला, छठा स्कंद पोषण लीला, सातवा स्कंद उति लीला, आठवा स्कंद मन्वंतर लीला, नौवा स्कंद ईशानुकथा, दसवा स्कंद निरोध लीला, ग्यारहवा स्कंद मुक्ति, बारहवा आश्रय। ये श्री वल्लभाचार्य जी का मत है। श्रीधर स्वामी के अनुसार थोड़ा क्रम में फर्क है, वे 12वें स्कंद को निरोध लीला मानते हैं। वे शब्द क्रम को नहीं अर्थानुक्रम को विशेष महत्व देते हैं और श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार जिस क्रम में शब्द हैं उसी क्रम में ये लक्षण बताए गए हैं कि तीसरा स्कंद सर्ग, चौथा विसर्ग, पांचवा स्थान, छठवा पोषण, सातवा उति, आठवा मनमंत्र, नौवा ईशानुकथा, दसवा निरोध, ग्यारहवा मुक्ति, बारहवा आश्रय। तृतीय स्कंद सर्ग लीला है। भगवत गीता के अनुसार दो सर्ग है, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। एक दैव सर्ग है, दूसरा आसुर सर्ग है। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि, सर्ग सृजन। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अनुसार दैव सर्ग कश्यप और अदिति से शुरू हुआ, आसुर सर्ग कश्यप और दिति से। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाया है, तीन दाम्पत्य की कथा सुनाया है तृतीय स्कंद में। एक दाम्पत्य है मनु और शत्रुपा का, दूसरा दाम्पत्य है कश्यप और दिति का, तीसरा दाम्पत्य है कर्दम और देवहूति का। तृतीय स्कंद में यह तीन दाम्पत्य की कथा। कश्यप और दिति से असुर हुए, आसुर सर्ग, अदिति से देव, दीति से दैत्य। देव और दैत्य की माता अलग अलग है, पिता एक ही है कश्यप। यह कश्यप कौन है? बोले कश्यप शब्द का उल्टा करो तो पश्यक,
पश्यक एव कश्यपो भवति, ऐसी निरुक्त व्याख्या है। पश्यक मतलब जो देखने वाला है, दृष्टा है, वह जीव कश्यप है। बुद्धि ही पत्नी है, भेद बुद्धि दीति है और अभेद बुद्धि अदिति है। अभेद बुद्धि स्वरूपा अदिति के साथ जब दृष्टा रूप जीव का संयोग होता है तब उससे देवों की दैवी सृष्टि होती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है। भेद बुद्धि रूपा दीति से जब दृष्टा रूप जीव का संयोग होता है तो उससे आसुरी सृष्टि होती है, असुर उत्पन्न होते हैं, दुर्गुणों की सृष्टि होती है। भेद बुद्धि होती है अज्ञान के कारण और अभेद बुद्धि हो जाती है ज्ञान से। भगवान के ही दोनों द्वारपाल देखो, दीति दीति में कितना असंयम है। एक बार संध्या समय में अपने मन के संयम को खोया दीति ने और अपने पति से संग की इच्छा करी। पति ने समझाया संध्या समय है, शिव पार्वती विचरण करने निकलते हैं, उनका अपराध होगा। संध्या समय भोग के लिए या भोजन के लिए नहीं है, संध्या समय भजन के लिए। संध्या समय में मन और बुद्धि दोनों की रक्षा करने वाले दोनों देव दुर्बल हुए होते हैं। मन के देव चंद्रमा, बुद्धि के देव बुद्धि को प्रकाशित करने वाले सूर्य, ये दोनों दुर्बल है संध्या के समय में। अस्त होते हुए सूर्य दुर्बल है और उदित होते हुए चंद्र भी दुर्बल है। बालक में भी बल नहीं होता और वृद्ध में भी बल नहीं होता, इसलिए अस्त होते हुए सूर्य में भी बल नहीं है, उदित होते हुए चंद्र में भी बल नहीं है। उस वक्त मन और बुद्धि की रक्षा कौन करेगा? बोले भगवान का नाम करेगा, इसलिए उस वक्त भगवान के नाम का आश्रय करो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। इसलिए संध्या समय भजन के लिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का महत्व है। प्रातः संध्या करो, मध्याह्न संध्या करो, सायं संध्या करो। संधि का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अरे नदियां भी जहां मिलती है ना दो, वो संगम बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें स्नान करो। इस प्रकार दो अंग का जहां संग होता है, ये देखो संधि है ना। अब ये कितनी महत्वपूर्ण, ये यदि ना होती आ हांधो न हो तो केवो मोटो वांधो पड़े। ये यदि ना होता, यहां से ऐसे हाथ मुड़ता ही नहीं तो भोजन करने बैठते तब क्या होता। कवल उठाते तो सही लेकिन मुंह में कैसे आता। हाँ फिर आमने सामने बैठो और ये आपको रोटी खिलाए, आप उसको दाल खिलाओ, लेकिन आपको सब्जी चाहिए और वो दाल पिला रहा है, झगड़ा नहीं हो? बार बार कह रहा हूं सब्जी डाल, दाल ही दाल, तो झगड़ा हो जाता। ये हाथ ओहो यहां से घूमता, यहां से घूमता, ये सब घूमती हम। वाह क्या रचना है। और ये भी कमाल है। संधि भाग बड़ा महत्वपूर्ण। और यहां यदि टक्कर लग जाए थोड़ी सी, ओ जान निकल जाती है, बड़ा महत्वपूर्ण। उस प्रकार काल की जो संधि है महत्वपूर्ण। तो प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या, सायं संध्या। संध्या भोजन के लिए या विषय भोग के लिए नहीं है, संध्या का समय भगवान के भजन के लिए। भगवान के नाम का आश्रय करो, मन बुद्धि की वे रक्षा करेंगे। दीति माता में चार दोष आ गए। पहला दोष अपने मन के असंयम का, अपने मन पर संयम नहीं रख पाई। दूसरा दोष कालगत दोष, क्योंकि संध्या काल था उस वक्त गर्भाधान हुआ। तीसरा दोष पति की आज्ञा के उल्लंघन का, पति कश्यप ने समझाया फिर भी नहीं मानी। और चौथा दोष देवों के अपराध का, शिव भवानी विचरण करने निकलते हैं उनका अपराध हुआ। इन चार दोषों के कारण
दीति माता असुरों की माता हुई। कश्यप जी ने कहा अब तेरे उदर में से असुर पैदा होंगे। जब आवेश आदमी का पूरा हो जाता है तो विवेक का भान होता है। महाराज हे नाथ मुझे क्षमा करें, मेरे पुत्रों की दुर्गति ना हो ऐसी कृपा करो। बोले तेरे पुत्रों का नाश भगवान नारायण के द्वारा होगा, उसकी सदगति होगी। दीति माता के उदर में दो असुर आए। दीति माता के उदर में असुर आते ही पूरे विश्व में उपद्रव होने लगा। देखो भगवान के प्रागट्य से पहले जड़ चेतन सब हर्ष और आनंद से भर जाते हैं। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अचर सब हर्ष जुत हो जाता। और जब कोई दैत्य आने वाला होता है, संसार में पैदा होने वाला होता है, तो उसके पहले पूरी दुनिया में अमंगल होने लगता है। भगवान के प्रागट्य की पूर्व भूमिका और असुरों के पैदा होने के पहले सृष्टि में क्या परिवर्तन होता है इसका भागवत में वर्णन है। पूरी दुनिया दुखी होने लगी। उस वक्त सब देव ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कारण इतना है कि दीति के उदर में दो असुर है। ये दीति के उदर में कहां से आए? बोले ये भगवान के ही दोनों द्वारपाल हैं जय और विजय। उन्हें सनत कुमारों का शाप हुआ। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तुम्हारे अग्रज और मेरे मानस पुत्र ये भगवान के दर्शन की इच्छा से वैकुंठ में गए। सात द्वार है, छह द्वार तो पास करी गए, सातवें द्वार पर जय विजय हैं उन्होंने रोका। भाई भगवान का दर्शन करना है तो पहले काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सब दरवाजे पार करते चले जाओ, लेकिन सातवां दरवाजा जहां जय और विजय है इसका मतलब है स्वदेश में ख्याति जय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति विजय। हाँ ये ख्याति जो है, ये प्रख्याति जो है, ये कीर्ति जो है वो भी बहुत बड़ी अड़चन है भगवान के दर्शन। इसलिए संतों के लिए तो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा को वे सूकरी की विष्ठा मानते, वे कीर्ति के पीछे नहीं भागते। कीर्ति उनका पीछा करे तो अलग है, संत प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागता, प्रसिद्धि साधु का पीछा करे। संत तो प्रसिद्धि नहीं चाहता लेकिन कभी कभी भगवान प्रसिद्ध कर देते हैं। मीरा को आज भी जानते हैं, तुकाराम की आज भी प्रसिद्धि है, चैतन्य महाप्रभु की आज भी प्रसिद्धि है। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों के उन भक्तों के चरित्र से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए भगवान ऐसे लीला करते हैं। लेकिन संत स्वयं प्रसिद्धि के पीछे भागता नहीं। कीर्ति जैसा कैद खाना कोई नहीं, और संसार में जो नाम वाले हैं ना उन्हीं की बदनामी होती है। कीर्ति रूपी कमाई करेगा उसको टीका रूपी टैक्स चुकाना पड़ेगा, टीका उन्हीं की होती है, यह टैक्स है। तो स्वदेश में ख्याति ये जय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ये विजय। तो लोग लिखते हैं फिर अपने हमारे नाम क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, बोले वो गए काम से हम तो। भागवत के वक्ता को तो भागवत के कारण जितनी प्रसिद्धि मिलती है अनिवार्य जो है उतनी सहना चाहिए, बाकी कहां कीर्ति के पीछे भागे, स्वयं कीर्ति के पीछे न भागे। ये जय विजय वाला जो दरवाजा है ना बड़ा खतरनाक है, उसको पार करना बड़ा कठिन, भगवान के दर्शन नहीं होते। जय विजय ने रोका, सनत कुमारों को क्रोध आया, क्रोध करके शाप दे दिया। भगवान के दर्शन में रह करके, भगवान की सेवा में रह करके यहां भगवत दर्शन करने आए हुए के
दर्शन में बाधा पहुंचाते हो। तुम्हारी यह भेद बुद्धि, जाओ दोनों भेद बुद्धि रूपा दीति से असुर बनकर के पैदा हो, जाओ राक्षस बनो। कांपने लगे दोनों। उसी वक्त भगवान बाहर आए, शांत स्वरूप भगवान का दर्शन करते ही सनत कुमारों का क्रोध शांत हुआ। देखो भाव